तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं पांच झूठ इन आईपीएल हिस्ट्री जो आपको सच लगते होंगे। तो बिना किसी देरी की वीडियो शुरू करते हैं। नंबर वन, चेन्नई सुपर किंग्स एंड राजस्थान रॉयल्स पर बैंड फॉर मैच फिक्सिंग। 2013 एक ऐसा साल है जिसे चेन्नई सुपर किंग्स के फैंस और राजस्थान रॉयल्स के फैंस भूलना चाहेंगे, और 2013 में हुई उस घटना के कारण चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स की इमेज पर अभी भी वो दाग है। जुलाई 2015 में चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स को 2013 के सीजन के दौरान अपने प्रमुख अधिकारियों गुरुनाथ मैयप्पन और राज कुंद्रा की सट्टेबाजी और स्पॉट फिक्सिंग एक्टिविटीज के लिए आईपीएल से 2 साल के लिए सस्पेंड कर दिया था। दोनों अधिकारियों को बीसीसीआई द्वारा आयोजित किसी भी क्रिकेट मैच में शामिल होने पर लाइफ टाइम बैन लगा दिया गया था। हालांकि लोगों को अभी भी लगता है कि मैच फिक्सिंग के कारण या उन्हें फिक्सिंग कराने के कारण बैन किया गया था, और फैक्ट यह है कि दोनों टीमों को सट्टेबाजी और स्पॉट फिक्सिंग के कारण बैन किया गया था। और याद रखने वाली एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि मैच फिक्सिंग और स्पॉट फिक्सिंग एक ही नहीं है। स्पॉट फिक्सिंग जब होती है कि जब आप सट्टेबाज को उस विशेष ओवर या इवेंट को प्री अरेंज करने के लिए खिलाड़ियों को पैसे देते हैं, और स्पॉट फिक्सिंग मैच फिक्सिंग से भिन्न होता है जिसमें खिलाड़ियों या अधिकारियों द्वारा मैच का रिजल्ट तय किया जाता है। नंबर टू, मुंबई इंडियंस वन 5 ट्रॉफीज बिकॉज ऑफ एम्पायर। मुंबई इंडियंस लीग के इतिहास में सबसे सफल फ्रेंचाइज है। उन्होंने आईपीएल के इतिहास में सबसे ज्यादा 5 आईपीएल टाइटल जीते हैं। हालांकि कई लोग अभी भी सोचते हैं कि वे एम्पायरों को खरीदते हैं और एम्पायर की मदद से अपने पक्ष में डिसीजन लेते हैं, और इस तरह के दावे न केवल झूठे हैं बल्कि फनी भी लगते हैं। एम्पायर एरर गेम का हिस्सा है और यह मैचों में अक्सर होता रहता है, और लास्ट में एम्पायर भी एक इंसान है और उनसे भी गलती हो सकती है। इसके अलावा कुछ कॉन्ट्रोवर्सियल फैसले जैसे कि एमएस धोनी का 2019 के फाइनल में रन आउट होना, और 2017 के फाइनल में स्टीव स्मिथ का लेग साइड 50-50 था और दोनों ही डिसीजन किसी के भी तरफ जा सकते थे, लेकिन वह मुंबई इंडियंस की तरफ गए और वह आईपीएल जीत गए। नंबर 3, सनराइजर्स हैदराबाद एंड डंकन चार्जर्स आर वन एंड द सेम टीम। डंकन चार्जर्स हैदराबाद की शुरुआती टीम थी। उन्होंने आईपीएल के पहले 5 सीजन में भाग लिया और 2009 में आईपीएल टाइटल भी जीता, और लीग के 6ठे सीजन में उनकी जगह सनराइजर्स हैदराबाद ने ले ली। लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं और सोचते हैं कि दोनों टीमें एक ही हैं और एक ही हैं, जो गलत है। हैदराबाद ने 2012 में डेक्कन चार्जर्स की जगह ली और 2013 में डेब्यू किया। हैदराबाद के बैंकक्रप्ट होने के बाद सन टीवी नेटवर्क ने इस फ्रेंचाइजी को संभाल लिया और हैदराबाद की टीम सन टीवी नेटवर्क ने खरीदी। उन्होंने 5 साल के सौदे के लिए 85 करोड़ रुपए हर साल के साथ बोली जीती। 2012 में डेक्कन चार्जर्स के लिए खेलने वाले अधिकांश खिलाड़ी हैदराबाद में चले गए, और हैदराबाद ने तब से कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा और सबसे लगातार टीमों में से एक रही, और उन्होंने 2016 में आईपीएल टाइटल भी जीता। नंबर 4, क्रिस मॉरिस इज द हाईएस्ट पेड आईपीएल प्लेयर। यह कहना सेफ है कि क्रिस मॉरिस आईपीएल इतिहास में सबसे ज्यादा रुपए में बिकने वाले खिलाड़ी हैं। इस साल आईपीएल 2021 की नीलामी में राजस्थान रॉयल्स ने 16 करोड़ 25 लाख रुपए में उन्हें खरीदा, और आईपीएल में उनके सैलरी में सबसे बड़ी उछाल देखी गई। हालांकि वह अभी भी आईपीएल में सबसे ज्यादा सैलरी पाने वाले खिलाड़ी नहीं हैं, और वास्तव में विराट कोहली सबसे ज्यादा सैलरी पाने वाले खिलाड़ी हैं। साल 2018 में आरसीबी ने विराट कोहली को 17 करोड़ रुपए में रिटेन किया था, और विराट कोहली आईपीएल के हर सीजन में एक ही फ्रेंचाइजी के लिए खेलने वाले एकमात्र खिलाड़ी हैं, और वह तब से इतनी ही कमाई कर रहे हैं। और अगले साल आने वाले मेगा ऑप्शन के साथ हम देख सकते हैं कि विराट कोहली की सैलरी और भी ज्यादा हो सकती है, क्योंकि आरसीबी को विराट कोहली को रिलीज करने का अभी कोई भी मूड नहीं है। नंबर 5, आईपीएल एक फिक्स लीग है और यह अब तक का सबसे बड़ा मैथ है, और ऐसा कोई रास्ता नहीं है कि मानव जाति के इतिहास में सबसे बड़ी लीग में से एक फिक्स हो। आईपीएल में खेलने वाला हर खिलाड़ी अपना बेस्ट देता है और चिलचिलाती धूप में पसीना बहाता है। बीसीसीआई इंश्योर करती है कि आईपीएल का कोई भी मैच फिक्स ना हो, क्योंकि वे सभी आईपीएल टीमों के साथ साथ अपने खिलाड़ियों पर भी नजर रखते हैं। बीसीसीआई हर चीज पर नजर रखते हैं कि जैसे खिलाड़ी कहां जाते हैं, कहां पर घूमते हैं, और यह सुनिश्चित करता है कि खिलाड़ी जानबूझकर या अनजाने में किसी भी तरह के सट्टेबाजी या फिक्सिंग में लिप्त ना हो। उन्होंने हर टीम को करप्शन प्रोटोकॉल्स के बारे में बताने का प्रयास किया।
किया है और यह भी एक झूठ है कि आईपीएल फिक्स होता है। तो ये थे आईपीएल के इतिहास के 5 सबसे बड़े झूठ जो आपको सच लगते होंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो।